हेलो स्टूडेंट्स, तो टुडे वी विल डू द सेकंड एप्लीकेशन ऑफ यूजेस ऑफ डायमेंशन एनालिसिस। तो यूजेस ऑफ डायमेंशन एनालिसिस का सेकंड एप्लीकेशन है टू कन्वर्ट वन सिस्टम ऑफ यूनिट्स इनटू अनदर। मींस आपको पता है, जैसे सपोज मैं लिखा 1 किलोग्राम दैट इज इक्वल टू 1000 ग्राम। मींस हम ये कौन सा सिस्टम है, ये SI सिस्टम है और ये कौन सा है, CGS सिस्टम है, यूनिट है ग्राम। तो CGS सिस्टम, अगर मैं किलोग्राम लिखूंगा तो जैसे मास है, तो इसके लिए तो मेरे पास जैसे m आएगा, तो m के ऊपर पावर कितनी आएगी, 1 आएगी। तो यहाँ पर फिर से मास ही है, ग्राम लिखूं तब भी m के ऊपर पावर कितनी आएगी, 1 आएगी। लेकिन एक चीज़ यहाँ डिफरेंट हो गई, न्यूमेरिकल वैल्यू अलग हो गई। मीन्स हम किसी भी फिजिकल क्वांटिटी को कैसे लिखते हैं, फिजिकल क्वांटिटी इज रिप्रेजेंटेड एज न्यूमेरिकल वैल्यू इनटू यूनिट। दिस द न्यूमेरिकल वैल्यू, दिस द यूनिट। अब हमें पता है कि अगर न्यूमेरिकल वैल्यू बड़ी होगी तो यूनिट छोटा होगा, न्यूमेरिकल वैल्यू अगर बड़ी होगी तो यूनिट छोटा होगा, न्यूमेरिकल वैल्यू अगर छोटी होगी तो यूनिट बड़ा होगा। तो x इज इक्वल टू nu, nu इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट, ऐसे लिखते थे हम लोग, या n इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू u लिखते थे, कि अगर u बड़ा होगा तो n छोटा होगा, अगर u छोटा होगा तो n बड़ा होगा। देखिए, u छोटा है, यूनिट छोटा है तो न्यूमेरिकल वैल्यू बड़ी है, यूनिट बड़ा है तो न्यूमेरिकल वैल्यू छोटी है। तो हम इसको x इज इक्वल टू nu लिखते हैं। हम इसको ऐसे भी लिखते हैं, N1U1 इज इक्वल टू N2U2। जैसे मैंने लिखा है आपके सामने, N1U1 मींस N1 हुआ 1, किलोग्राम U1 हुआ, और 1000 क्या हुआ, N2 हुआ, और ग्राम क्या हुआ, आपका U2 हुआ। इसका मतलब यूनिट्स तो हमें पता है, हम SI टू CGS जा रहे हैं तो किलोग्राम का ग्राम में जाना है, तो हमें N2 निकालना है। N2 अगर हम लोग फाइंड कर लेंगे तो हमारे पास हमारी प्रॉब्लम क्या हो जाएगी, सॉल्व हो जाएगी। तो हमें N2 फाइंड आउट करना है। मान लीजिए किसी यूनिट में U1 को हम लिख देते हैं, मान लीजिए N1 इंटू U1 को लिख देते हैं M1 की पावर A, L1 की पावर B एंड T1 की पावर C लिख देते हैं। ऐसे हम N2 लिख देते हैं और U2 को लिख देते हैं M2 की पावर A एंड L2 की पावर B एंड T2 की पावर C। A, B, C यहाँ पे सेम होगा। क्यों होगा सेम, जैसे यहाँ पे मैंने दिया, अगर यहाँ किलोग्राम है और ग्राम है तो m की पावर 1 है, यहाँ भी m की पावर 1 नहीं होगी, तो a क्या हुआ, दोनों का सेम। वो इस तरह से b भी क्या होगा, सेम। c भी क्या होगा, सेम होगा। सिर्फ ये हमने SI सिस्टम में लिख दिया, ये किस में लिख दिया, CGS सिस्टम में लिख दिया। CGS सिस्टम में m2 मींस ग्राम, l2 मींस सेंटीमीटर, t2 मींस दिस इज ग्राम, दिस इज सेंटीमीटर एंड दिस इज सेकंड, और यहाँ पे किलोग्राम, दिस इज मीटर एंड दिस इज सेकंड। इस तरह से हम इसको लिख सकते हैं। अगर हम इसको इस तरह से लिखते हैं A1 और A2, A1 ABC, AB इज इक्वल टू C, दैट इज द वैल्यू रिमेन सेम, A इज इक्वल टू A, B इज इक्वल टू B एंड C इज इक्वल टू C रहेगा। तो हम N2 को कैसे लिखते हैं, N2 इज इक्वल टू N1 इंटू M1 की पावर A, L1 की पावर B और T1 की पावर C डिवाइडेड बाई M2 की पावर A एंड L2 की पावर B एंड T2 की पावर C। हम इसको थोड़ा सा, पावर सेम है तो हम इसको ऐसे लिखते हैं, M1 डिवाइडेड बाई M2 की पावर A, L1 डिवाइड बाई L2 की पावर B एंड T1 डिवाइडेड बाई T2 की पावर C। किस तरह से हम इसको लिखते हैं, दैट इज N2। तो व्हाट इज आवर प्रॉब्लम, हमने N2 फाइंड आउट करना है। मान लीजिए हमें प्रॉब्लम आ गई कि कन्वर्ट 1 न्यूटन इंटू डाइन। एक न्यूटन के अंदर कितने डाइन होते हैं, तो आपके पास N1 है, न्यूटन आपके पास U1 है, आपने N2 डाइन U2 है, लेकिन आपके पास N2 नहीं है। हमने क्या फाइंड आउट करना है, N2 हमारी क्या है प्रॉब्लम, हमने फाइंड आउट करनी है। अब ये जो न्यूटन है, ये किस चीज का यूनिट है, ये फोर्स का यूनिट है, फोर्स का यूनिट है। तो फोर्स का डायमेंशन फार्मूला होता है MLT-2 होता है। तो यहां से हमारे पास A कितना आएगा, M की पावर A 1, L B also equal to 1 and C is equal to -2। यहां से हमारे पास आ गया A कितना आया 1, L की पावर 1 है तो V is equal to 1, T की पावर -2 है तो C कितना आ गया, -2 आ गया। अब हमारे पास क्या है रिलेशन, N2 is equal to, देखिए मैं यहां पे लिखता हूं N2 is equal to N1 into M1 divided by M2 की पावर A, L1 divided by L2 की पावर B
एंड टी वन डिवाइड बाई टी टू की पावर सी इन, हम कहाँ से कहाँ जा रहे हैं, वी आर गोइंग फ्रॉम एस आई टू सी जी एस, एस आई टू सी जी एस। एस आई में एम वन को क्या लिखेंगे, एस आई में एम वन क्या होगा, एम वन इज इक्वल टू किलोग्राम, वट इज एल वन मीटर, वट इज टी वन सेकेंड, एस सी जी एस में सी जी एस सिस्टम वट इज एम वन ग्राम, वट इज एल एल टू सॉरी एम टू एल टू दैट इज सेंटीमीटर, वट इज टी टू दैट इज सेकेंड। इन वैल्यूज को यहाँ पे सब्सिट्यूट कर देते हैं तो एन टू किसके बराबर आ जाएगा, एन टू इज इक्वल टू एन वन, एन वन की वैल्यू कितनी है वन, वन इन टू वट इज एम वन किलोग्राम अपॉन ग्राम की पावर वन, ए कितना है वन है। सिमिलरली एल वन कितना है मीटर डिवाइड बाई सेंटीमीटर की पावर वन, सिमिलरली सेकेंड डिवाइड बाई सेकेंड, एम एल स्क्वेयर इज देयर तो हियर इज टू, वी की पावर कितनी है वी इज इक्वल टू एम एल, एम वन है एल भी वन है तो यहाँ पर क्या आ जाएगा वन आ जाएगा, वन सेकेंड माइनस टू तो सेकेंड से सेकेंड कैंसिल हो गया, हमारे पास आ गया किलोग्राम दैट इज टेन इज पावर थ्री ग्राम अपॉन ग्राम इन टू टेन इज पावर टू सेंटीमीटर अपॉन सेंटीमीटर, सेंटीमीटर सेंटीमीटर कट गया, ग्राम से ग्राम कट गया, यू विल गॉट टेन इज पावर थ्री इंटू टेन इज पावर टू थ्री प्लस टू फाइव, तो वट इज एन टू टेन इज पावर फाइव, हाउ कैन राइट वट इज वन न्यूटन इक्वल टू टेन इज पावर फाइव नाइन फाइव डाई। तो सिमिलरली वी कैन डू द यू नोट इट नो सेकेंड न्यूमेरिकल दैट इज सपोज वी हैव टू कन्वर्ट वन जूल इंटू अर्ग, कन्वर्ट वन जूल इंटू अर्ग, ये कौन सा सिस्टम है एस आई सिस्टम है, ये कौन सा है सी जी एस सिस्टम है, एनर्जी का यूनिट होता है तो एनर्जी के लिए हमारे पास डिमेंशनल फॉर्म होता है एम एल स्क्वायर टी माइनस टू, ए कितना आ गया वन, बी कितना आ गया टू, सी कितना आ गया माइनस टू, माइनस टू आ गया। इन एस आई वट इज एम वन दैट इज किलोग्राम, वट इज एल वन मीटर, वट इज टी वन सेकेंड, इन सी जी एस वट इज एम टू दैट इज ग्राम, वट इज एल टू दैट इज सेंटीमीटर, वट इज टी वन दैट इज सेकेंड, वी नो देन वट इज एन टू इक्वल टू एन वन इन टू एम वन डिवाइड बाई एम टू की पावर ए, एल वन डिवाइड बाई एल टू की पावर बी, टी वन डिवाइड बाई टी टू की पावर सी, वट इज एन वन दैट इज वन, वन इन टू वट इज एम वन किलोग्राम अपॉन ग्राम की पावर वन, मीटर अपॉन सेंटीमीटर की पावर टू एंड सेकेंड अपॉन सेकेंड की पावर माइनस टू, दिस विल कैंसिल आउट, यू विल गॉट टेन इज पावर थ्री ग्राम अपॉन ग्राम कैंसिल आउट इन टू टेन इज पावर टू सेंटीमीटर अपॉन सेंटीमीटर और इसका पावर टू, ये कट गया उसमें, यू विल गॉट टेन इज पावर थ्री इन टू टेन इज पावर फोर, अगर बेस सेम हो तो पावर्स प्लस हो जाती हैं, तो कितना आ गया एन टू टेन इज पावर सेवन, देन व्हाट इज योर वन जूल इज इक्वल टू टेन इज पावर सेवन अर्ग, टेन इज पावर सेवन अर्ग, इस तरह से आप इसको कर सकते हैं। एक और न्यूमेरिकल लेते हैं, मान लीजिए वी हैव टू कन्वर्ट नाउ कन्वर्ट अर्ग इंटू वन अर्ग इंटू जूल, अब आप कहां से कहां जा रहे हैं, अब आप सीजीएस सिस्टम से एसआई में जा रहे हैं, सीजीएस से एसआई में जा रहे हैं, अर्ग टू किसको कन्वर्ट करना है जूल में कन्वर्ट करना है, तो आपके पास एनर्जी का यूनिट है ये, तो एनर्जी का डायमेंशनल फार्मूला है एम एल स्क्वेयर टी माइनस टू, वट इज ए वन, वट इज बी टू, वट इज सी माइनस टू, यहां से देख के एम वन टू एंड माइनस टू। नाउ
इन सीजीएस सिस्टम, नाउ इस तरफ को हमें सीजीएस लेना पड़ेगा, इस तरफ को क्या लेना पड़ेगा एसआई, क्यों, क्योंकि वी आर गोइंग टू सीजीएस टू एसआई. व्हाट इज एम1, दैट इज ग्रेन. व्हाट इज एल1, दैट इज सेंटीमीटर. व्हाट इज टी1, दैट इज सेकंड. व्हाट इज एम2, दैट इज किलोग्राम. व्हाट इज एल2, दैट इज मीटर. व्हाट इज टी2, दैट इज सेकंड. नाउ व्हाट इज एन2, इक्वल टू एन1 इनटू एम1 डिवाइड बाय एम2 की पावर ए इनटू L1 डिवाइड बाई L2 की पावर B इंटू T1 डिवाइड बाई T2 की पावर C. नाउ व्हाट इज N2 इक्वल टू 1 इंटू व्हाट इज M1, दैट इज ग्राम अपॉन किलोग्राम की पावर 1, सेंटीमीटर अपॉन मीटर की पावर 2, एंड सेकंड अपॉन सेकंड की पावर माइनस 2. दिस विल कैंसिल आउट. यू टू ग्राम अपॉन 10 इज पावर 3 ग्राम इंटू सेंटीमीटर अपॉन 10 इज पावर 2 सेंटीमीटर और इसका स्क्वायर. तो सेंटीमीटर सेंटीमीटर कट गया, यू विल गॉट ग्राम से ग्राम कट गया. 1 अपॉन 10 इज पावर 3 इंटू 1 अपॉन 10 इज पावर 4, दैट इज 1 अपॉन 10 इज पावर 7. ऊपर जाएगा 10 इज पावर माइनस क्या हो जाएगा 7. देन व्हाट इज 1 अर्ग इक्वल टू 10 इज पावर माइनस 7 जूल. तो यू कैन सॉल्व द प्रॉब्लम्स, कन्वर्ट डाइन इंटू न्यूटन. एक प्रॉब्लम आप ये सॉल्व करेंगे, दूसरी 1000 न्यूटन को डाइन में कन्वर्ट करेंगे, तीसरी 100 जूल को अर्ग में कन्वर्ट करेंगे, चौथी 100 अर्ग को जूल में कन्वर्ट करेंगे. इस तरह से आप प्रॉब्लम्स सॉल्व करेंगे. आप एक और करेंगे, 1000 डाइन इंटू न्यूटन में कन्वर्ट करेंगे. तो दीज आर द प्रॉब्लम्स दैट यू हैव टू सॉल्व, एंड देर इज अनदर प्रॉब्लम इन योर बुक दैट यू हैव टू सॉल्व एट योर होम. आई थिंक यू विल गॉट इट, दैट इज टू कन्वर्ट वन सिस्टम ऑफ यूनिट इंटू अनदर. नाउ वी विल डू द थर्ड एप्लीकेशन ऑफ डायमेंशनल लिसिस. व्हाट इज द थर्ड एप्लीकेशन ऑफ डायमेंशनल लिसिस? टू डिराइव द गिवन फिजिकल रिलेशन. टू डिराइव द फिजिकल रिलेशन बिटवीन क्वांटिटीज इन्वॉल्वड, बिटवीन द क्वांटिटीज इन्वॉल्वड. अब इसको ड्राइव करने के लिए हमने, जैसे मान लीजिए हमें एक प्रॉब्लम आ गई कि टाइम पीरियड ऑफ सिंपल पेंडुलम डिपेंड्स अपॉन मास ऑफ द बॉब, मास ऑफ द बॉब, लेंथ ऑफ द पेंडुलम एंड एक्सलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, डिराइव फिजिकल रिलेशन बिटवीन देम. इनके बीच में हमने फिजिकल रिलेशन के करना है, डिराइव करना है. एक्चुअल मैं पेंडुलम के बारे में बताऊं आपको, ये पेंडुलम का होता है, ये उसको बॉब बोलते हैं, बॉब बोलते हैं ये, आपने देखा होगा बॉब. ये यहाँ से इसके सेंटर से लेके यहाँ तक इसका लेंथ एल होता है, और इसके ऊपर जी इज कॉल्ड एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी बोलते हैं एक्सेलरेशन. इसका हम लोग सबसे पहले क्या लिखेंगे कि जिस क्वांटिटी के ऊपर डिपेंड करता है उसको ऐसे लिख लेंगे, टी इज प्रोपोर्शनल टू एम की पावर ए एंड एल की पावर बी एंड जी की पावर सी. यहाँ पे जरूरी नहीं है कि जो क्वांटिटी पहले दी हुई है उसकी पावर ए ही लेनी है. आप जी की पावर ए ले सकते हो, एल की पावर आप ए ले सकते हो, मींस अपनी मर्जी आपकी, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है. चाहे आप जी की पावर ए ले लो, एल की पावर ए ले सकते हो, सी ले सकते हो, और एम की पावर आप सी ले सकते हो, बी ले सकते हो, इस तरह से हम लोग इसको ले सकते हैं. तो इसमें कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है.
ऐसे लिख लिया हम लोगों ने सबसे पहले। प्रोपोर्शनल टू किस किस ऊपर डिपेंड करता है वो लिख लिया, एम की पावर ए, एल की पावर बी, जी की पावर सी। उसके बाद हम क्या करेंगे, इसको बराबर कर देंगे तो यहां पे कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी लग जाएगा। क्या लग जाएगा? कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी, एम की पावर ए, एल की पावर बी और जी की पावर सी। अब हम क्या करेंगे कि ये जो है इसके डायमेंशन लिखेंगे, तो इसका डायमेंशन क्या है टाइम का, एम जीरो एल जीरो टी वन, और इस तरफ के भी डायमेंशन लिखेंगे, कांस्टेंट का तो डायमेंशन लेस होता है। यहां पे आ जाएगा एम की पावर ए, एल की पावर बी एंड एल टी माइनस टू की पावर सी आ जाएगा। क्यों आया सी? क्योंकि एल टी माइनस टू होता है जी के लिए, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी के लिए डायमेंशनल फार्मूला, तो इसकी पावर क्या होगी सी। हम लिख देंगे एम की पावर ए, देखिए यहाँ एल की पावर सी है, यहाँ एल की पावर बी प्लस क्या हो जाएगी सी हो जाएगी। यहाँ से एल एल बेस सेम है तो पावर्स प्लस होती है, और टी की पावर क्या आ गई माइनस टू सी आ गई, टी की पावर क्या आ गई माइनस टू सी आ गई। नाउ कंपेयरिंग यूजिंग द प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी बोथ साइड, तो ए ए किसके बराबर होगा, यहाँ पे ए, यहाँ एम की पावर जीरो मीन्स ए इज इक्वल टू जीरो, बट इज बी प्लस सी इक्वल टू एल की पावर बी प्लस सी, तो यहाँ एल की पावर जीरो है तो इट इज इक्वल टू जीरो, बट इज माइनस टू सी इक्वल टू दैट इज इक्वल टू वन, दैट इज इक्वल टू वन, देन बट इज सी फ्रॉम इन, इसको हम सॉल्व करेंगे तो सी क्या आ जाएगा माइनस हाफ आ जाएगा, सी इज इक्वल टू माइनस हाफ। अब बी निकालना है तो बी निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, बी माइनस हाफ इज इक्वल टू जीरो, देन वी इज इक्वल टू हाफ। हमारे पास ए भी आ गया, बी भी आ गया और सी। इस वैल्यू को हम लोग इस क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में सब्स्टिट्यूट कर देंगे, यहां से वैल्यू उठा के सकते, बट इज टी इक्वल टू के एम की पावर जीरो, वट इज एल, एल की पावर बी, बी इज इक्वल टू हाफ, वट इज टी, वट इज नेक्स्ट जी, जी की पावर कितनी है सी, दैट इज माइनस हाफ, दैट इज माइनस हाफ। तो हम इसको कैसे लिखते हैं, टी इज इक्वल टू के एल की हाफ डिवाइडेड बाई जी की हाफ, क्योंकि जी नीचे चला गया तो क्या होगी जी की पावर हाफ, तो टी क्या आ गया के इंटू रूट एल अपॉन जी, ये आ गया। जो एक्चुअल फार्मूला है वो ये है, टी इज इक्वल टू टू पाई एल अपॉन जी रूट, के की कितनी वैल्यू होती है टू पाई होती है। अब के की वैल्यू यहां पे नहीं बताता है तो इसकी लिमिटेशन है कि ये कांस्टेंट की वैल्यू नहीं बता पाता है, कौन डायमेंशनलिस्ट से हम लोग कांस्टेंट की वैल्यू का हमें पता नहीं लगता है, तो टी इज इक्वल टू टू पाई एल अपॉन जी का अंडर रूट, इस तरह से हम इस वैल्यू को निकाल सकते हैं। और अगर हमने और रिलेशन मान लीजिए निकालना है, मान लीजिए हमारे पास और कोई प्रॉब्लम्स हमें आती है कि सपोज हमें आता है द सेंट्रीपिटल फोर्स ऑफ ए पार्टिकल मूविंग इन सर्कल, पार्टिकल ऑफ मास एम मूविंग इन ए सर्कल ऑफ रेडियस आर एंड विथ वेलोसिटी बी, देन डिराइव रिलेशन फॉर रेडियस आर विद वेलोसिटी बी, देन डिराइव रिलेशन बिटवीन फिजिकल क्वांटिटीज, फिजिकल क्वांटिटीज इनके बीच में क्या डिराइव करना है रिलेशन। सबसे पहले तो फोर्स की बात हो रही है तो फोर्स लिख दी, फोर्स किसके प्रोपोर्शनल है, नंबर फर्स्ट मास एम, मास की पावर ए, इन अ सर्कल ऑफ रेडियस आर, आर की पावर बी एंड वेलोसिटी की पावर सी। मैंने बताया कि आप ए बी सी जो है एम आर बी, बी आर सी भी कुछ भी लिखते हैं, यहाँ पे बी की पावर ए भी हो सकती है, मतलब यहाँ पे इसके ऊपर कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो एफ किसके बराबर आ जाएगा, के इंटू बी की पावर सी। अब
फोर्स का डायमेंशनल फार्मूला होता है एम एल टी माइनस टू होता है। के लिए तो कुछ नहीं होगा, एम की पावर ए आ गया। आर रेडियस लेंथ, लेंथ की पावर बी आ गया। वेलोसिटी एल टी माइनस वन की पावर सी आ गया। यू विल गॉट एम की पावर ए, सी हेयर इज आल्सो एल, एल की पावर बी प्लस सी एंड टी की पावर माइनस सी। नो व्हाट इज ए, वन, क्योंकि एम की पावर वन है। बी प्लस सी दैट इज आल्सो इक्वल टू वन। व्हाट इज माइनस सी दैट इज माइनस टू, देन टू। व्हाट इज सी इक्वल टू टू, देन व्हाट इज बी प्लस टू इज इक्वल टू वन, देन व्हाट इज बी इक्वल टू माइनस वन, माइनस वन, ए इज इक्वल टू वन। तो हमारे पास ए बी सी की वैल्यू आ गई। हम इस वैल्यू को इस क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में सब्स्टिट्यूट करते हैं। व्हाट इज एफ इक्वल टू, नाउ के इनटू एम की पावर ए, एम की पावर ए, एम की पावर वन, आर की पावर माइनस वन, एंड सी कितना है, सी इज इक्वल टू, तो बी की पावर टू। तो यू विल गॉट के एम बी स्क्वेयर, आर कहाँ चला जाएगा, नीचे। लेकिन के किसके बराबर होता है, वन। ये तो लिमिटेशन है डायमेंशनल इसिस की। एफ इज इक्वल टू एम बी स्क्वेयर अपॉन आर, इज द रिलेशन फॉर सेंट्रिपिटल फोर्स। तो इस तरह से हम कोई भी जो फार्मूला है उसको हम डिराइव कर सकते हैं बाय यूजिंग डायमेंशनल एनालिसिस। डायमेंशनल एनालिसिस का यूज करके हम कोई भी फार्मूला जो है वो डिराइव कर सकते हैं। मान लीजिए एक रिलेशन है कि द विस्कस फोर्स ऑफ ए फ्लूइड डिपेंड्स अपॉन कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी, रेडियस ऑफ स्फेरिकल बॉडी, रेडियस ऑफ स्फेरिकल बॉडी ड्रॉप्ड इन विस्कस फ्लूइड, रेडियस ऑफ स्फेरिकल बॉडी ड्रॉप्ड इन विस्कस फ्लूइड एंड टर्मिनल वेलोसिटी ऑफ द बॉडी, देन फाइंड रिलेशन बिटवीन दीज क्वांटिटीज। करते हैं रिलेशन फाइंड आउट। मीन्स विस्कस फोर्स ही है, फोर्स किसके ऊपर डिपेंड कर रही है। कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी हम लोग ईटा से नोट करते हैं, ईटा की पावर ए, ईटा। रेडियस ऑफ स्फेरिकल बॉडी आर की पावर बी, एंड टर्मिनल वेलोसिटी, वेलोसिटी की पावर सी। नाउ वी विल राइट एफ इज इक्वल टू के ईटा की पावर ए, आर की पावर बी एंड बी की पावर सी। तो कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी के लिए जो हमारे पास डायमेंशनल फार्मूला होता है वो आप बुक में देखेंगे, दैट इज एम एल माइनस वन टी माइनस वन होता है। एफ के लिए क्या जाएगा, एम एल टी माइनस टू इज इक्वल टू, के लिए कुछ नहीं होगा, एम एल माइनस वन टी माइनस वन की पावर ए, एल की पावर बी एंड एल टी माइनस, वेलोसिटी होती है एल टी माइनस वन की पावर सी। सी यहाँ एम एम की पावर ए रहेगा, क्यों, क्योंकि और जगह एम नहीं है। यहाँ पे एल की पावर माइनस ए, माइनस ए प्लस बी प्लस सी, टी की पावर माइनस ए माइनस सी। देख लीजिए ढंग से क्या किया मैंने, एम की पावर ए, एल की पावर माइनस ए, माइनस ए आ गई, एल की पावर बी, एल की पावर प्लस बी आ गई, एल की पावर सी, प्लस सी आ गया, टी की पावर माइनस ए, टी की पावर माइनस ए, टी की पावर माइनस सी आ गया। कंपेयरिंग द कोएफिशिएंट्स नाउ, दी सी ए इज इक्वल टू वन। वट इज माइनस ए प्लस बी प्लस सी इक्वल टू, दैट इज आल्सो इक्वल टू वन। वट इज माइनस ए माइनस सी इक्वल टू, दैट इज माइनस टू। तो सब्स्टिट्यूट द वैल्यू ऑफ ए, क्या जाएगा, इनको सॉल्व करना है। ए की वैल्यू यहाँ डालेंगे, माइनस वन माइनस सी इज इक्वल टू माइनस टू,
you will get minus c is equal to minus 2 plus 1, then c is equal to 1. C is equal to 1, क्योंकि ये माइनस का बना, माइनस माइनस क्या हो गया, कैंसिल आउट, सी क्या आ गया 1 आ गया, ए भी कितना है 1. अब यहाँ से हमारे पास माइनस ए, ए की वैल्यू हमने निकालनी है, माइनस ए ए इज इक्वल टू 1, दैट इज माइनस 1 प्लस बी, बी फाइंड आउट करना है, सी कितना है 1 है, दैट इज इक्वल टू 1, तो 1 से 1 कैंसिल हो गया, व्हाट इज बी इक्वल टू 1, ए भी 1 है, बी भी 1 है, सी भी 1 है, देन व्हाट इज एफ इक्वल टू के ईटा की पावर 1, आर की पावर 1 एंड वी की पावर 1, इट मींस एफ इज इक्वल टू के ईटा आर वी, बट वी नो के इज इक्वल टू 6 पाई होता है, क्योंकि लिमिटेशन है डायमेंशनलेसिस का, तो 6 पाई ईटा आर वी, तो वी हैव ड्राइव द गिवन रिलेशंस, वी हैव ड्राइव द गिवन रिलेशंस. So thanks, have a nice day. You have to solve the numericals and tomorrow we will do the next lecture. Okay.